गुड इवनिंग। एसएससी सीजीएल अब्लिक सीएचएसएल 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, लास्ट मोमेंट टिप्स के रूप में इंग्लिश सेक्शन के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेज लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। ये सभी ईडियम्स और फ्रेजेज एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि एसएससी में अक्सर क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता हो। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करके भी आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। जैसे पहला है एट वंस विट्स एंड, मतलब इसका ये होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आप इतना परेशान हो जाइए कि कुछ समझ में ना आए कि क्या करें। तो अब इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि वर्क हार्ड या इंटेलिजेंट या स्टूपिड, ये तो नहीं होगा इसका अर्थ। सीधा सा इसका अर्थ क्या है? टू गेट पजल्ड, मतलब परेशान हो जाना। अगला है टू टेक समवन टू टास्क, शाब्दिक अर्थ क्या? मतलब कि किसी को काम से लगा देना। तो काम से लगा देने का मतलब क्या होता है? डांटना, डांट फटकार करना है। तो ये नहीं होगा कि टू असाइन वर्क टू समवन, या टेक समवन टू टेक हिज प्लेस ऑफ वर्क, या टू प्रेज समवन ऑफ फॉर द वर्क डन। सीधा सा अर्थ क्या होगा? टू स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना। अगला है टू एंगल, टू एंगल का तो सीधा सा मतलब होता है मछली पकड़ना, टू फिश। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल टीयर वन में पूछा गया था 2016 में। अगला है फिट लाइक अ ग्लूब, ग्लब्स। देखिए, ग्लब्स जानते हैं, दस्ताने। दस्ताने की तरह फिट होने का मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल सुटेबल, बिल्कुल उपयुक्त होना। तो इसका देखिए पहला ही आंसर है इसका, टू फिट स्नगली। सॉफ्ट एंड इजी टू वियर, डिफिकल्ट टू होल्ड, या समथिंग टाइट एंड स्टिकी, ये तो नहीं बनते हैं। फिट लाइक ग्लव, मतलब दस्ताने की तरह बिल्कुल फिट होना। तो ये है इसका पहला ऑप्शन, टू फिट स्लंगली। अगला है देखिए रन वन डाउन, रन वन डाउन का मतलब क्या होता है? कि किसी को दौड़ा लेना, दौड़ाकर गिरा देना। तो इसका सेंस क्या हुआ? कि किसी को जो है आलोचना करना, कड़ी आलोचना करना। तो अब आप देखिए, इसमें चार ऑप्शन दिया है, टू रन डाउन एलेन, या टू वीक एंड टायर्ड, ये तो नहीं बनता है। टू बी इन ए हरी, ये भी नहीं बनता है। टू डिस्पैरेज समवन, किसी की आलोचना करना। एट ए स्नेल स्पेस, स्नेल कहते घोंघा, घोंघे की तरह चलना, घोंघे की स्पीड में चलना। क्या मतलब हुआ? कि बहुत स्लो चलना। तो पहला ही ऑप्शन हो गया, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। इसका ये शाब्दिक अर्थ मत निकालिए कि टू वॉक लाइक ए स्नेल, आप घोंघे की तरह नहीं चल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? कि किसी भी काम को बहुत धीरे धीरे करना, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। आगे बढ़िए, कैट नैप, बिल्ली की झपकी, मतलब कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए सोना। तो लॉन्ग स्लीप तो हो ही नहीं सकता, स्लीप लाइक ए कैट शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसका इडियम्स ऑफ फ्रेजेस का कुछ सेंस होता है। मेक इट स्नोरिंग साउंड, ये भी नहीं होगा। टू स्लीप ब्रीफली, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए सोना, इसे कहते हैं कैट नैप। आगे देखिए डैगर्स डॉन, डैगर्स डॉन तो बहुत स्पष्ट है कि भयंकर दुश्मनी होना। तो सीधा सा है एनिमीज। आगे है पेनेलोप्स वेब, मतलब अंतहीन जाला। तो अंतहीन सीधे से यहाँ पर है एंडलेस, डिफिकल्ट डिक्लाइनिंग एट इट बेस्ट फॉर्म नहीं होगा, एंडलेस अंतहीन। अगला है गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ यू पे ऑन द नेल, मतलब आप बिल्कुल सही तरीके से पेमेंट करेंगे
तो सामान जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो पे विद इन द गिवन टाइम, पे द फुल अमाउंट, पे यहाँ अमाउंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ना कैश की बात हो रही है, पे प्रॉम्प्टली, बिल्कुल सही तरीके, सही टाइम पर पेमेंट कर देना। अगला है, इफ पीपल डू नॉट मेंड टू देयर वेज, दे आर श्योर टू गो टू द डार्क्स। अब आप शाब्दिक अर्थ और उसका हिंदी में सेंस समझिए। टू गो टू द डार्क्स मतलब कुत्ते की तरह हो जाना, मतलब क्या हुआ कि बर्बाद हो जाना। तो टू फाइट या टू बी यूनाइटेड या टू बी रफ नहीं बनेगा, टू बी रुएंड, बर्बाद हो जाना, टू गो टू द डार्क्स। अगला है, डिस्पाइट द डॉक्टर एडवाइस ही स्टिल ईट्स लाइक ए हॉर्स। डॉक्टर की सलाह के बावजूद वो घोड़े की तरह खाता है, मतलब बहुत ज़्यादा खाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ईट्स ए लॉट ऑफ फूड। अगला है, तो आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन जो हैं इसके बाद, इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसी तरह से समझ करके तो आप बड़े आराम से जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। देखिए नेक्स्ट ईडियम है, ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 में पूछा गया था, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंस का मतलब कम महत्वपूर्ण। तो पहला ही आ गया, लेस इम्पॉर्टेंट, सीम्ड लेस इम्पॉर्टेंट। अगला देखिए, ही एक्सपेक्ट्स हिज सबॉर्डिनेट टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल, यानी वो ये चाहता है कि उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उसके कहने के अनुसार चलें। तो क्या हुआ, एट हिज डिस्पोजल, एट रेस्ट, एट वर्क और एट देयर डेस्क, इसका कोई मतलब नहीं है, उसके डिस्पोजल पर हों, जैसा वो चाहे बॉस वैसा करें। इन द लॉन्ग रन मतलब अंततः, अल्टीमेटली। यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस, यानी नज़रों में चढ़ जाना, गुड बुक्स ऑफ द बॉस मतलब बॉस की नज़र में अच्छे होना। तो सेंटेंस देखिए इसी से क्लियर हो जाएगा, इफ़ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस यू आर श्योर टू राइज क्विकली। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो है बॉस की नज़र में अच्छे हैं, यानी इन फेवर विद द बॉस। अगला है, विथ वन वॉइस, एक सुर से, मतलब सब मिलकर के एक स्वर से किसी बात को कह रहे हैं। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 में पूछा गया था। तो एक सुर का मतलब बाई वन मैन तो नहीं हुआ, कम्युनिटी के द्वारा भी नहीं हुआ, और डिसहार्मनी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यूनानी मसली, यानी एक सुर में, एक स्वर में समवेत, सब लोग मिलकर के किसी काम को करें या किसी बात को कहें। टू वे अप द प्रोस एंड कॉन्स, अच्छा बुरा, भला बुरा, पक्ष विपक्ष, सबको तौल लेना, सबको समझ लेना, मतलब क्या है कि कंसीडर ऑल द फैक्ट्स, सारे तथ्यों को विचार कर लेना। मेड लाइट ऑफ, अप लाइट का मतलब होता है हल्का, हल्का कर देना मतलब ट्रीटेड इट लाइटली। अगला है, टू गेट इंटू हॉट वाटर्स, गर्म पानी में प्रवेश करना, गर्म पानी में पड़ जाना, मतलब क्या हुआ कि परेशानी में पड़ जाना, टू गेट इंटू ट्रबल। अगला है देखिए, सब शाब्दिक अर्थ से और थोड़ा उसका सेंस निकाल लीजिए तो आपके सारे इडियम सॉल्व हो जाएंगे। वर्क फॉर 6 आवर्स एट ए स्ट्रेच, मतलब मैं लगातार जो है 6 घंटे कार्य कर सकता हूँ। तो इसका क्या हुआ, पहला ही है कंटिन्यूअसली। अगला है, इट वॉज ही हु पुल पुट अ स्पोक इन माई व्हील, यानी चलती हुई गाड़ी में पहिए में तीली फंसा देना, मतलब क्या है कि काम को रोक देना, प्लान को डिस्टर्ब कर देना। तो पहला तो हो ही नहीं सकता, एक्सीडेंट से कोई मतलब नहीं, हेल्प से कोई मतलब नहीं, डिस्ट्रॉय से भी कोई मतलब नहीं, काम को केवल डिस्टर्ब किया है। तो थ्रट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। बोर डाउन अपान का मतलब होता है पराजित करना या डिफीट करना। तो जब आप किसी युद्ध में, बैटल में दुश्मन की सेना को पराजित करते हैं तो फिर क्या करते हैं आप, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका हो जाएगा, मूव्ड क्विकली टूवर्ड्स।
अगला है रॉक कंसर्ट प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रा। बिग ड्रा मतलब बहुत बड़ा आकर्षण, बहुत बड़ा अट्रैक्शन, तो इसका हो जाएगा ह्यूज अट्रैक्शन। लुक शार्प आर यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आप ध्यान दीजिए अदरवाइज आपको हाथ से ये मौका निकल जाएगा। तो लुक शार्प का मतलब हुआ पे अटेंशन। एवरी इंच ए जेंटलमैन, इंच इंच वो व्यक्ति सज्जन है, मतलब क्या है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से सज्जन है। तो अब इसमें देखिए पार्टली हो नहीं सकता है, समवाट हो नहीं सकता है, कैलकुलेटरी हो नहीं सकता है, क्या होगा इंटायरली पूरी तरह से। ये भी सीजीएल टीयर वन में पूछा गया है 2016 में। अगला क्वेश्चन है, अगली इडियम है, सिंस द चिल्ड्रन वर यंग देयर पेरेंट्स हैव टू ऑलवेज टार्ट देम टू पुट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, कपड़े के हिसाब से कोट सिलवाना, हिंदी में क्या कहते हैं कि जितने पैर हो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो क्या होगा लिव विद इन वंस मीन्स, अपने साधनों के भीतर जीवन यापन करना। चलिए और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए नेक्स्ट ईडियम आपके सामने है, सीरिया इज नॉट करिंग फेवर विथ अमेरिका, यानी सीरिया जो है वो अमेरिका से सपोर्ट चाह रहा है। तो सपोर्ट चाह रहा है इसका अर्थ क्या हुआ, इंग्रेशिएटिंग इट्सेल्फ विथ। अगला है आवर प्रिंसिपल इज नॉट ए मैन टू मिंस मैटर, यानी मिंस मैटर्स का मतलब होता है साफ सुथरी बात करना। नॉट ए मैन टू मिंस मैटर, यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो साफ सुथरी बात नहीं करते हैं। तो क्या हुआ टू कन्फ्यूज इशूज। अगला है वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड द कन्वीनियंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी ऐसा लगता है जैसे कि जो है हमने आधुनिक जीवन की जो सुविधाएं हैं उसे मान लिया है कि वो तो हमारे लिए बनी ही है। तो कंसीडर एडमिट और केयर तो नहीं होगा, टू एक्सेप्ट रेडली। अगला है प्रोडिकल सन वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब जो है एलोन या असहाय स्थिति में छोड़ना, तो इसका होगा एलोन। अगला है देखिए सेंटेंस पढ़िए, सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नावल कम्प्लीटली टर्न हिज हेड, पहली उपन्यास की सफलता ने उसका सिर फिरा दिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्राउडी हो गया, पूरी तरह से बदल गया। तो क्या होगा चेंज्ड हिम कम्प्लीटली। अगला है शी टर्न्ड अप हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस, यानी वो इस तरह के ड्रेस की ओर देखती भी नहीं है, नज़र भी नहीं डालती है, तो मतलब क्या है डिस्पाइसेज। अगला है एट लॉस्ट द राइटर्स फेल बैक, यानी दंगाई जो है अंततः पीछे हट गए, तो क्या होगा फेल ऑन द ग्राउंड यील्डेड रन बैक नहीं होगा टर्न बैक, दंगाई जो है वो पीछे हट गए। अगला है मेडागास्कर कॉप अटेम्प्ट इंडेड इन ए फ्यास्को, इंडेड इन ए फ्यास्को यानी असफलता में बदल जाना। तो क्या हुआ इसका वाज एन अटर फेल्योर। तो ये थे इडियम्स एंड फ्रेजेज, और मैं समझता हूँ कि आप इसको जो है आपने ध्यान से समझ लिया होगा। तो चलिए कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ईडियम है द केयरफुली वर्कड आउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, फेल थ्रू का मतलब फेल हो जाना, फेल्योर को प्राप्त होना, तो इसका आंसर है फेल्ड। टू मैनी आयरन्स इन द फायर, मतलब एक साथ बहुत सारे कामों में संलग्न होना, तो इसका अर्थ है इज इंगेज्ड इन टू मैनी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है वी वांटेड टू गिव रीता ए सरप्राइज पार्टी बट जॉन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब जॉन ने जो है बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया, मतलब क्या कि जो सीक्रेट था जो रहस्य था वो बता दिया। तो टोल्ड हर अबाउट इट अनइंटेंशनली, ये हो जाएगा थ्रोन काशन टू द विंड्स, यानी हवाओं से लड़ना।
तो क्या इसका होगा? टू बिहेव रेकलेसली. नेक्स्ट है, अर्ल ऑफ लेस्टर थ्रू डाउन द ग्लोब्स, मतलब दस्ताने उतार दिए. मतलब क्या है कि लड़ने के लिए जो है तैयार हो गया, या एक तरह का चैलेंज दिया. ही गेव अ चैलेंज. अगला है, फॉट टू द बिटर एंड, यानी अंत तक लड़ता रहा, अंत तक लड़ता रहा. तो इसका क्या होगा? कैरिड ऑन ए कंटेस्ट रिगार्डिंग रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेज, यानी परिस्थितियां क्या बनेंगी इसको केयर किए बगैर वो जो है कंटेस्ट को जो है उसने चालू रखा. लड़ाई कठिनाइयों के बावजूद वो अंत तक लड़ता रहा. तो ये थे इडियम्स एंड फ्रेजेस. इससे आप जो है एक बार समझ लीजिए, और ऐसे ही अगर आप जो है मीनिंग समझ करके, सेंटेंस का आशय समझ करके क्या कहना चाहता है सेंटेंस, तो उससे आप ईडियम का जो मीनिंग है वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने ग्रुप्स में फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू.